आई जा घरे हाले करोना हाले नहीं सीखने अगले साल सिखाने तो बस खा गए पता नहीं तो पत्थर बड़ी तरह के लोग आते हैं ना वहाँ पर सीखने के लिए किधर ऊपर हुआ अभी नहीं सीखनी सीख लेंगे जब सीखनी होगी अभी नहीं सीखनी मैं मैगी नहीं खानी तुझो रोज रोज ही कल भी होना दिन कल खाई ले मैगी रोटी बनी यार फुलके बनाए ना जी मैं कल ही बनाऊंगी मैं कल फुलके नहीं बनाऊंगी ना तो भिंडी है भिंडी देखा भिंडी है रात की हाँ तो भिंडी से खा लेना मैंने गाड़ी सीखनी पुत्र तो कोरोना है ना बाइक सीखनी जब सिखानी होगी ना चीजें तब सिखा देंगे स्कूल। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल और कैसे आप सभी लोग आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं सब ठीक ठाक हैं और बाकी आज है संडे और संडे सुबह सुबह का टाइम है ये 8:30 बजे का और मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट तो चलिए फिर देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ ये दलिया मीठा दलिया बनाऊँगी आज मैं तो उसके लिए पहले डालूंगी मैं इसमें घी ये देखिए 1 चम्मच डाल दिए मैंने इसमें घी तो ये देखिए मेरा घी जो वो हो गया है गर्म और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये दलिया तो अभी इसको ना ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी अच्छे से घी में जब भुन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी दूध आप इसको पानी में बना सकते हो दूध में बना सकते हो तो फिर मैं इसमें दूध ऐड करूंगी तो बस ये देखिए अब इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे लिए जो वो अच्छे से भुन गया है और अभी मैंने इसमें कर दिया दूध ऐड कर दिया इसमें तो अभी मैं इसको चलाऊंगी जब तक दूध में बॉयल नहीं आता तब तक मैं चम्मच से इसको चलाती रहूंगी और जब बॉयल आ जाएगा तो इसको फिर मैं कम आंच पर पकाऊंगी धीरे धीरे कम आंच पर पकता रहेगा ये तो बस फिर ये दलिया ना खाना चाहिए कभी कभी अच्छा होता है हेल्थ के लिए एनर्जेटिक होता है ये एनर्जी मिलती है हम लोगों को और अच्छा भी लगता है और कभी कभी हो जाता है पर हम दोनों ही खाएंगे बेटा का तो आप लोगों ने सुन लिया कि वो नहीं खाएगा इसको तो उसके लिए मैंने पहले चपाती बना दी है और साथ में भिंडी है तो वो उसी से खा लेगा और मैं और मम्मी खा लेंगे ये दलिया तो बस फिर ये देखिए अभी मेरे आ गया इसमें दलिए में उबाल पर अभी मेरे को ना इसमें दूध कुछ कम लग रहा है तो मैं अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर दूँगी क्योंकि इसको पकने के लिए फिर अभी टाइम लगेगा कम आँच पर पकेगा तो फिर दूध ये सारा ही सूख जाएगा इसलिए मैंने ये देखिए थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर दिया है और अभी फिर से बॉयल होने तक इसको मैं चलाऊंगी और फिर उसके बाद पकने दूंगी कम आँच पर इसको मैं। तो ये देखिए हमारा दलिया जो वो गाढ़ा होने लग पड़ा है जब ये जितना ये जिसमें ये उबल रहा है उतना ये गाढ़ा जो वो हो रहा है तो ये फिर आ गया फिर से इसमें उबाल और अभी इसको मैं पकने दूंगी बिल्कुल कम आंच पर। तो दलिया जो मेरा वो अभी उबल रहा है और अभी मैं इसमें ना थोड़ी देर के लिए लगा दूंगी ढक्कन ताकि बिल्कुल कम आंच में धीरे धीरे जो वो पकता रहे तो बस फिर ये देखिए अभी लगा दिया मैंने इसमें ढक्कन और बस अभी ये पकता रहेगा धीरे धीरे और बहुत ही मतलब मिनटों में बन जाता है ये आसान होता है कई बार होता है ना कि कुछ भी नहीं होता है ब्रेकफास्ट कहीं बनाने के लिए तो बस एकदम से दलिया जो वो बन जाता है जल्दी से और इजी भी होता है और अच्छा भी होता है खाने के लिए। तो ये देखिए अभी मेरा दलिया जो वो पक रहा है गाढ़ा हो गया अच्छे से अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी इसको मैं हल्का होता है और ये खाना अगर खा लेंगे तो मतलब हल्का हल्का होता है ये हैवी नहीं होता है ये तो हफ्ते में ना 1-2 बार दलिया खाना चाहिए हम लोगों को ऐसे बोलते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार दलिया खाना चाहिए तो बस इसीलिए मैं कभी कभी बना लेती हूँ इसको। अभी मैं डाल दूँगी इसमें ड्राई फ्रूट्स
तो अभी ये ना मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स कर दिए थे ग्राइंड, मैंने मिक्सी में कर दिए थे मैंने ग्राइंड, तो बस इसके बाद मैं ये कर दूँगी ऐड इसमें। और मैंने इलायची भी इन्हीं के साथ ही ग्राइंड कर दी थी, ड्राई फ्रूट्स के साथ ही कर दी थी इलायची, साथ में डाल दूँगी। फिर इसमें मैं चीनी, चीनी जो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से भी मेरा दलिया जो वो पक गया है, कल भी गया है दलिया और थिक भी हो गया है अच्छे से। तो बस थोड़ी देर में अभी इसमें मैं डाल दूँगी चीनी, और बस चीनी डालने से पहले मैं आँच को बंद कर दूँगी, और आँच बंद करने के बाद ही मैं डालूँगी इसमें चीनी, क्योंकि अगर ऐसे कई बार ना फटने का डर भी रहता है दूध का, तो इसीलिए चीनी आँच बंद करके ही डालनी चाहिए। तो बस ये देखिए मैंने आँच जो वो बंद कर दी है अभी, और अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कम या ज़्यादा। तो बस अभी अच्छे से मैं इसको चम्मच से चलाऊँगी ताकि चीनी जो वो अच्छे से इसमें घुल जाए, और फिर उसके बाद बस ये देखिए बन गया है, तैयार हो गया है मेरा दलिया, और हो जाएगा हमारा अभी ब्रेकफास्ट। धानों का काम चला हुआ है, तो ये जो मशीन है ये धान की मशीन है, जैसे गेहूं की मशीन होती है वैसे ये धान की भी मशीन आ गई, गेहूं का जो थ्रेशर होता है। तो जैसे गेहूं के थ्रेशर में दाने अलग हो जाते हैं और उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है, तो वही सिस्टम इसमें भी हो रहा है, दाने एक साइड गिर रहे हैं और उसका जो घास है वो दूसरी साइड जा रहा है, ये देखिए। और पहले नहीं होती थी ये चीज़ें, अभी 4-5 सालों से गेहूं का थ्रेशर जो वो तो काफ़ी सालों से आया हुआ है यहाँ हिमाचल में भी यूज़ होता है उसका, लेकिन ये धान का जो थ्रेशर है ये कुछ सालों में ही 4-5 सालों में ही हमारे गांव तक पहुंचा है, क्योंकि शहर प्लेन एरियाज़ में तो चलते हैं चल हो जाती हैं ये चीज़ें कई सालों से, लेकिन यहाँ पहाड़ी एरिया में ये चीज़ें मुश्किल होती हैं लाना, पर फिर भी चलो अभी धीरे धीरे जो है वो हो रहा है, पहुँच रहा है गाँवों तक ये चीज़ें। और अभी ना खेती करना बहुत ही आसान हो गया है, एक दिन में सारा काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन पहले जो था ना, पहले तो कई कई दिन लग जाते थे यही काम करने के लिए, धान से मतलब दाने अलग करने और घास कर अलग करने के लिए कई कई दिन बैलों का यूज़ करते थे या हाथ से ऐसे धान तो पर, लेकिन अभी ये चीज़ें नहीं है, और अभी पूरा सिस्टम नहीं है उसमें, जो गेहूँ से जाने का होता है यहाँ से डाल रहे हैं और एक साइड से नीचे दाने और उधर घास एक साइड चल रहा है। चलिए अब ये सब काम हो गया है, आसान हो गया है, खेती करना आसान हो गया है। तो बस अब हमारे हिमाचल में भी ये चीज़ें आसानी से पहुंच रही हैं, गेहूं का तो आता ही था पर चलिए अभी धान का भी, और मेन काम तो धान का ही होता है, धान का काम बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती थी, तो अभी ये आसान हो गया है। अभी बज रहे हैं दिन के 11 और अभी मैं कर लूँगी ब्लॉग का एंड, यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो चलिए फिर, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।